जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खास खबर, अगर आपका ईकेवाईसी नहीं हुआ है तो राशन कार्ड से आपका नाम कट सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, अगर आपने अभी तक ईकेवाईसी नहीं किया है तो आपका नाम राशन कार्ड से कट सकता है। पूरी खबर क्या है मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर सरकार ने पहली एक स्कीम चलाई थी जिसमें यह कहा गया था कि तमाम तर राशन कार्ड होल्डर्स के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है कि वो अपना ईकेवाईसी करें ताकि उनको जो है कि राशन बड़े अच्छे तरीके से मिल पाए। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, जम्मू कश्मीर सरकार ने पहले ये डेट जो है जनवरी तक बढ़ाई थी और उसके बाद इसको फरवरी में भी बढ़ाया गया और उसके बाद मार्च 31 तक इसकी डेट रखी गई थी। तो उसके बाद से पूरे लोगों ने ये जो AKYC वो नहीं किया था, जिसकी बुनियाद पर भारत सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने भी ये लाजमी करार दिया कि लोगों को जो है AKYC करना जरूरी है। आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून शिब्बीर शाहिद के साथ। भारत सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने भी एक मुहिम चलाई थी जिसमें यह कहा गया था कि तमाम राशन कार्ड होल्डर्स, चाहे वो APL हो, BPL हो या किसी और जुमरे से वाबस्ता हो, उनके लिए AKYC जरूरी और लाजमी करार दिया गया था ताकि सरकार के पास डेटा रहे, आंकड़े रहे, इन्फॉर्मेशन रहे कि कितने लोगों को हमें राशन फराहम करना है और कितने लोगों को हम राशन दे रहे हैं, और ये पूरी जानकारी जो है सरकार के लिए जरूरी है। और इस हवाले से EKYC को लाजमी करार दिया गया था। अभी भी लोग इस EKYC को करने के लिए या अपना जो थंब इम्प्रेशन है वो देने के लिए इसमें डिले करते हैं। इस हवाले से लोगों के लिए खास इन्फॉर्मेशन ताकि उनका 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 जो EKYC वो जल्दी हो जाए और वो अपना राशन सही तरीके पर हासिल कर सके, नहीं तो राशन कार्ड से उनका जो नाम है वो कट सकता है। लोग मर चुके हैं क्या वो अभी भी एनलिस्ट है, या जो लोग अभी नए जुड़े हैं जिनका EKYC नहीं हुआ तो क्या उनको भी सही तरीके से राशन मिल रहा है कि नहीं? तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं, ये जो डेट है बहुत बार बढ़ाई गई, लेकिन साथ ही साथ अब अभी तक इसका कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन या ऑफिशियल आर्डर नहीं आया है, लेकिन तमाम लोगों के लिए जरूरी है कि वो 15 मई से पहले पहले अपना EKYC जरूर कराएं, नहीं तो आपका नाम जो है राशन कार्ड से कट सकता है। और इस हवाले से फिर लोग डीलर्स के पास जाएंगे, उनसे लड़ना झगड़ना शुरू होगा, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हो सकता है। मैंडेटरी यह है कि सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए, सरकार के पास डेटा होना चाहिए कि कितने लोगों को हम राशन फराहम कर रहे हैं और कितने लोगों को हमें देना है। अब आपको मैं बता दूं AKYC कहां करना है और किस तरह से करना है। AKYC आप नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर कर सकते हैं, या किसी खिदमत सेंटर पर जाके कर सकते हैं, या उसके अलावा आप किसी CSC सेंटर पर जाके, ये जो 3 सेंटर्स है, या आप राशन डीलर के पास जा सकते हो, या खिदमत सेंटर पर जा सकते हो, या CSC सेंटर पर जाकर अपना AKYC आप कर सकते हो, अपना थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं, फिंगरप्रिंट दे सकते हैं, ताकि आपका नाम जो है राशन कार्ड से ना कटे। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी तक गाँव देहात के लोगों को इस चीज़ का ये चीज़ पता नहीं है, मालूम नहीं है कि AKYC कितना जरूरी है।